शहर के पानी टंकी चौक स्थित जिला स्कूल के सामने बैंक कर्मियों ने निजीकरण के खिलाफ हड़ताल के दूसरे दिन जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंकों के निजीकरण होने से आम लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। यह सरकार बैंकों को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है, जिसे बैंक कर्मचारी कभी पूरा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण करने के अपने बयान को वापस नहीं लिया तो चरणबद्ध तरीके से पूरे सूबे में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। अभी तो दो दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया है, जरूरी हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी किया जाएगा। देखिए, आज की जो 16 तारीख को भी हमारा ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक था और आज भी जो है यह कंटिन्यू किया जा रहा है। देखिए, मेन मुद्दा इसमें जो है, जो केंद्र सरकार प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को जो बढ़ावा दे रही है और पीएसबी को जो है वो प्राइवेट करने का जो सिलसिला चालू की है, देश के जो संपत्ति जो है जिसको खुलेआम बेचने का जो सिलसिला उन्होंने चालू किया है, इसके विरोध में ही मूलतः जो है ये हड़ताल है। और ये हड़ताल हमारी हड़ताल जो है एक्चुअली में नहीं है, ये आम लोगों के लिए हड़ताल जो है। हम लोग अपना वेतन कटवा के आज जनता के सामने, जनता के समर्थन के लिए जो हम लोग आए। देखिए, अगर राष्ट्र की संपत्ति और राष्ट्रीय उपकरण अगर जो है वो प्राइवेट हो जाएंगे तो जो आम आदमी का पैसा वो असुरक्षित हो जाएगा, उनकी जो भविष्य है वो गर्त में चली जाएगी, नौकरियां कम हो जाएंगी, वैकेंसी कम हो जाएंगे, वैकेंसी और नौकरियों में जो ठेकेदारों का जो है बोलबाला हो जाएगा। इसी के विरोध में हम लोग जो है पूरे ऑल इंडिया बैंक जो है यूनाइटेड फॉरम बैंक यूनियन के तत्वाधान में हम लोग जो है स्ट्राइक पे उतरे हुए हैं। सरकार से क्या मांग है? देखिए, हमारा सरकार से मांग है कि थोड़ा जो है वो अपना कॉमन सेंस जो है वो लगाए और इस बात को समझे कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनको जो राष्ट्रीयकरण जो किया गया था उसके पीछे मूल उद्देश्य था कि आम आदमी तक जो है जो सुविधाएं हैं, बैंकिंग की सुविधाएं हैं, उनको जो है पहुंचाना उनका मेन मकसद था। आज सरकार जो है पूरा उल्टे दिशा में वापस चली गई है। वो चाहती है कि देश के आज़ादी के पहले जो ठेकेदारों का बोलबाला था, जो चंद पूंजीपतियों के हाथ में जो कंट्रोल था, वो जो है उनको देना चाहती है। देश को बोलिए कि तीन चार लोगों के हाथों में वो बेचना चाहती है, गिरवी रखना चाहती है। ये सोची समझी साजिश है सरकार के द्वारा। इसीलिए जो है हम लोग चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है, जो पब्लिक सेक्टर्स का आप कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस हो, एयरलाइंस हो, आप इस पर पुनर्विचार करिए और आम जनता के लिए, आम जनता के भलाई के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, उनके बच्चों की शादी के लिए, बेटियों के लिए, वृद्धों के आने वाले समय के लिए आपको पुनर्विचार करना होगा कि नहीं, आपको जो ये प्राइवेटाइजेशन जो है सिर्फ दो तीन घरानों को छोड़ के जो आप सारे जनता को गर्त में लेके जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा गलत है। मेरा नाम विशाल सिन्हा हुआ, हम वाइस प्रेसिडेंट है AIBUC डिस्ट्रिक्ट के और स्टेट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इंडियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह सरकार चोरों को चौकीदार बनाना चाहती है। हमारा सबसे ज़्यादा NPA पूंजीपति लोग रखे हैं, 10 लाख करोड़ NPA पूंजीपतियों के यहाँ हैं और नया कंपनी बनाते हैं उसको धीरे धीरे खोखला कर देते हैं, दिवालिया कर देते हैं, फिर दूसरा कंपनी बना लेते हैं। जैसे पूंजीपतियों की कंपनी दिवालिया हो जाती है लेकिन वो करोड़पति से अरबपति होते रहते हैं। तो ये अभी भी बैंकों को लूट रहे हैं और जब मालिक बन जाएंगे तब खुलेआम लूटेंगे, तो आम जनता को बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग आम जनता के लिए, राष्ट्र के लिए यह हड़ताल कर रहे हैं। मध्यम वर्ग के लोग के साथ साथ जो गरीब तबका के लोग हैं वे भी प्रभावित होंगे, क्योंकि जो निजी बैंक हैं उसमें 10,000 रुपये से बचत खाता खोला जाता है। तो 10,000 रुपया तो न गरीब तबका दे सकता है, न मध्यम वर्ग दे सकता है। और जितने भी, जब राष्ट्र का बैंकों का नेशनलाइजेशन श्रीमती गांधी ने किया था, तो उस समय मुजफ्फरपुर से मोतिहारी के बीच में कोई बैंक नहीं था 80 किलोमीटर में। अब दूर दूर गाँव में बैंक है और ये बैंक देश का भलाई कर रहे हैं, आम जनता की भलाई कर रहे हैं। जब फिर सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, निजी लोगों के हाथों में पूंजी चली जाएगी, तो वे सिर्फ अपना फायदा सोचेंगे और देश को भी नुकसान होगा, मध्यम वर्ग को भी नुकसान होगा, गरीबों को भी नुकसान होगा, बेरोजगारी पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी इनका कार्यक्रम था कि कई बैंकों को एक साथ विलय कर दिए, उसके कारण स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का ब्रांच रहा, स्टेट बैंक का खाराघाट ब्रांच बंद हो गया। जब बंद हो गया तो उतना आदमी ख़त्म हो गया। नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक और
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज किए थे, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंकज मार्केट मर्ज हो गया, तो वहाँ जो लोग काम करते थे अब तो उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। इसी तरह ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो तिलक मैदान रोड में था वो भी मर्ज हो गया, वो भी अब नहीं रहा। तो इनका जो भी सिद्धांत चल रहा है उससे बेरोजगारी बढ़ेगी और शोषण भी बढ़ेगा, क्योंकि निजी बैंकों में क्या होता है, 2500-5000 रुपया लोगों को दिया जाता है, और जिस तरह हम लोगों के पास पे स्केल है वैसा नहीं है। मेरा नाम उत्तम कुमार है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।